बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से आ रही, जहां पर दमोह में बैंक डकैती का मामला, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट में शामिल 3 आरोपी पकड़ लिए गए, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की रकम भी बरामद की। 5 डकैतों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 3 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दमोह में हुई इस बैंक डकैती में शामिल 5 में से 3 को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में यह डकैती डाली गई थी। बैंक के अंदर हुई थी 41 लाख की लूट। जैसा कि लोग जानना चाहते हैं कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक से कितना पैसा लूटा होगा, तो 41 लाख रुपए लूटे गए थे। 5 लोगों ने मिलकर इसे अंजाम दिया था, जिसमें से 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। कल शाम की ये घटना है, लगभग 7:15 के आसपास अपने मध्यांचल ग्रामीण बैंक में फतेहपुर चौकी के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर ये करीब 40 लाख की लूट बताई गई थी, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि बैंक के अंदर घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की और सेफ से लगभग 40 लाख रुपए की लूट कर ली है। इसमें जब वहाँ पर टीम हमारी पहुँची, फॉरेंसिक की टीम पहुँची, साइबर की टीम पहुँची, तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और इसमें ये पता लगा कि जो बैंक का जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद था, जिसके साथ ये घटना हुई है, उससे पूछताछ करने पर और जो उसके द्वारा तथ्य बताए गए थे उनकी तस्दीक करने पर ये पता लगा कि ये पूरी घटना उसी के द्वारा उसके 2 साथियों के साथ मिलकर ये घटना कारित की गई थी, जिसमें पास के ही 2 गांव के उसके दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर ये घटना प्लान की गई और आपका जो बैंक का परिसर है उसमें इसको कारित किया गया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अब इस वक्त की इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। गजा पट्टी पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। रफा में एक भारतीय की